सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दी नॉलेज टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको सरकारी मुलाज़मीन के लिए दो अच्छी खबरें देंगे। एक तो असम्बली से नया बिल पास हुआ है और दूसरी खबर हेल्थ अलाउंस की सहूलत के बारे में है। मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर ख़ान झगड़ा ने यह खबर दी है कि नया पेंशन सिस्टम जो असम्बली से पास हो गया है वो उन मुलाज़मीन के लिए होगा जो अभी तक भर्ती भी नहीं हुए। जो मुलाज़मीन आज की तारीख में पहले से भर्ती हुए हैं उनका पेंशन सिस्टम वही पुराना वाला होगा। कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम वक्त की अहम ज़रूरत है और अगर ये इकदाम ना उठाया जाता तो अगले कुछ सालों में तमाम सरकारी मुलाज़मीन की पेंशन के पैसे मौजूद नहीं होंगे। सूबे में जुमे के दिन वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी जुलाई के महीने में नाफ़स हो जाएगी, जिससे 20% सरकारी तेल, डीजल और बिजली के बिलों में बचत होगी। सरकारी मुलाज़मीन को 15 से 5 हज़ार रुपये तक हेल्थ अलाउंस तनख्वाहों में मिलता रहेगा। हम सरकारी मुलाज़मीन को ये ऑप्शन देंगे कि वो इस अलाउंस के बदले 1 करोड़ रुपये तक का सेहत कार्ड प्लस में पैकेज लें, जिसमें OPD भी शामिल होगी। ये ऑफ़र सरकारी मुलाज़मीन को सिर्फ एक बार फ्राहम किया जाएगा। कबायली अज़ला के सेहत कार्ड का मसला तैमूर झगड़ा ने तफसीली तौर पर बयान किया।